गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। सो फ्रेंड्स, वी आर लाइव नाउ। जैसा कि आप सभी को पता है, डेली शाम 7 बजे हमारे चैनल पर बीएड प्रवेश परीक्षा 2022 के लिए समान हिंदी का लाइव टेस्ट होता है। दोस्तों, सभी लोग क्लास में जुड़ जाओ भाई। बिल्कुल सर आ चुके हैं भाई, ठीक है, क्लास स्टार्ट हो चुकी है, लाइव स्टार्ट हो चुकी है भाई। जितने भी लोग क्लास में भाई, बातचीत करना बंद कर दो, क्लास पे फोकस करो। सभी लोग शेयर करें क्लास को एंड क्लास को लाइक भी कर दीजिएगा। चलिए धीरे धीरे लोग आ रहे हैं भाई। अभिषेक यादव जी गुड इवनिंग, अर्चना गुप्ता गुड इवनिंग, राम लखन बहुत बढ़िया, आयुष भी आ चुके हैं, पंकज सोनकर, ब्रजेंद्र, अरुण यादव, सभी लोग शेयर करिए क्लास को एंड लाइक कर दो। मेरी आवाज़ सबको सुनाई दे रही है ना ठीक से, एक बार कन्फर्म कर देना सभी लोग। तो चलिए भाई स्टार्ट करते हैं क्लास को बिना किसी देरी के। जिनको भी क्रैश कोर्स परचेज करना है, अगर नहीं समझ में आ रहा है कैसे खरीदना है इसको, तो आपको एक व्हाट्सअप नंबर भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, उस नंबर पर भी आप मैसेज कर सकते हैं और पूरी जानकारी इस कोर्स का मिल जाएगा, आप कोर्स कैसे खरीद सकते हैं। तो आप लोग व्हाट्सअप पर भी मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, ठीक है। तो चलो भाई फटाफट आ जाओ भाई, सब लोग शेयर करो क्लास को, 100 लोग आ जाए, क्लास को स्टार्ट करते हैं हम लोग। चलिए गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू, क्लास को भी स्टार्ट करते हैं, काफी लोग आ चुके हैं क्लास में। क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करेंगे। पहला प्रश्न देखिए, जंगल में लगने वाली आग क्या कहलाती है, एक शब्द में बताइए। क्वेश्चन नंबर 6 का उत्तर क्या हो जाएगा, 6 का राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए। चलिए विष्णु जी कह रहे हैं 6 का भी, बड़वा अनल ये कह रहे हैं, और लोग बताओ भाई। धीरज सी आंसर कर रहे हैं, काफी लोग सी प्रिंस सी आंसर कर रहे हैं, साधना सी आंसर कर रही हैं, सूफिया भी सी आंसर कर रही हैं, कुसुम बानो सी आंसर, छवि सी, सब लोग सी आंसर कर रहे हैं भाई। देख लेते भाई क्या हो जाएगा। पूजा जी भी बी आंसर कर रही हैं। देखो भाई 6 का जितने भी लोगों ने उत्तर दिया है, सी करेक्ट उत्तर हो जाएगा, दावा नल कहते हैं। क्या कहते हैं भाई, जंगल में लगने वाली आग को क्या कहते हैं, दावा नल कहते हैं। सी बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा, बहुत ही बेहतरीन। अगला देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 7 है, सही विकल्प बताइए। ज्ञान की किसी विशेष विधा यानी कार्य क्षेत्र में प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को क्या कहते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 का उत्तर बताइए। 7 का राइट आंसर साथियों, बेहतरीन, बहुत अच्छा। 7 का उत्तर क्या हो जाएगा, रीना कुमारी, लवली, कपिल कुमार, श्वेता, नेहा चौधरी गुड इवनिंग, हर्षी श्रीवास्तव बहुत बढ़िया। देखो भाई 7 नंबर का उत्तर बहुत आसान है, 7 का उत्तर बी करेक्ट उत्तर हो जाएगा, परिभाषिक शब्दावली। जितने भी लोगों ने बी उत्तर दिया है, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर यहां पर 8 है, भाववाचक में क्रिया डैश डैश होती है, 8 नंबर का उत्तर दीजिए। 8 का राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई बताओ। काजोल मिश्रा जी नमस्कार, क्वेश्चन नंबर 8 का उत्तर दीजिए, बहुत अच्छा। क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, समीक्षा यादव, वंदना रॉय बहुत बढ़िया। देखो भाई 8 नंबर का उत्तर भी आसान है, क्या हो जाएगा, कंफ्यूज है कुछ लोग, ए और बी ऑप्शन में देख लेते हैं तो ज्यादातर तो लोग गेस करते हैं कि ए और बी वाला ही ऑप्शन सही हो जाएगा, जो कि गलत उत्तर हो जाएगा भाई। 8 का क्या हो जाएगा, बी करेक्ट उत्तर हो जाएगा, काफी लोगों का उत्तर गलत गया। भाववाचक में क्रिया एक वचन में होती है। क्वेश्चन नंबर 8 का बी करेक्ट उत्तर हो जाएगा, यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब 8 का बी। अगला देखो, चलो 9 नंबर का उत्तर दीजिए, गलत नहीं होना चाहिए इसका। चुनौती शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा है, 9 नंबर का उत्तर दीजिए। 9 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, सभी लोग शेयर कर दो भाई एक बार क्लास को, ठीक है, और भी लोग आएंगे क्लास में तो जितना ज्यादा कंपटीशन होता है ना उतना ज्यादा मजा आता है भाई। 9 नंबर का उत्तर क्या हो जाएगा, बिल्कुल रागिनी आपका सही था, सुशील बहुत बढ़िया, अंकुल वेरी गुड, पंकज प्रतिभा बहुत बढ़िया, सौरभ भाई बहुत अच्छा। देखो 9 नंबर का उत्तर आना स्टार्ट हो चुका है, 9 का हो जाएगा आपका ऑप्शन डी करेक्ट उत्तर हो जाएगा, डी हो जाएगा, चुनौती में औति प्रत्यय लगा हुआ है। अगला देख लेते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 10, किस शब्द में अल उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, 10 नंबर का आंसर करें आप लोग। चलिए बहुत अच्छा, 10 का देखिए काफी लोग आंसर कर रहे हैं, काफी लोग आंसर कर रहे हैं यहां पर 10 का, कुछ लोग ए आंसर कर रहे हैं, कुछ बी भी बोल रहे हैं। सही उत्तर क्या हो जाएगा भाई, जितने लोगों ने उत्तर दिया है 10 का, क्या हो जाएगा, किस शब्द में अल उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, तो यहां पर आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट उत्तर हो जाएगा, ए हो जाएगा। आप कुछ लोग बी में भी कंफ्यूज हैं, ठीक है, कुछ लोग सी भी उत्तर कर रहे हैं क्योंकि सोच रहे हैं कि अल धन मारी हो जाएगा, तो मारी देखिए आप हमेशा याद रखिए कि उपसर्ग जो होता है वो एक अर्थपूर्ण वाक्य आगे लगकर उसका शब्द उस शब्द का अर्थ बदल देता है,
यानी कि जब आप उपसर्ग अलग करें तो जो शब्द निकले वो अपने आप में एक अर्थपूर्ण वाक्य हो। तो मारी का मतलब कोई अर्थ ही नहीं होता है। अगर अगर हम अलकनंदा से अल निकाल देंगे तो कन्नंदा इसका भी कोई अर्थ नहीं होता है, लेकिन अगर हम अलमस्त में अल निकाल देंगे तो मस्त का एक अपने आप में अर्थ होता है। ठीक है, तो ऑप्शन ए इसीलिए सही है। अगला देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 11 है, चेहरे की हवाइयां उड़ना मुहावरे का सही अर्थ क्या है। 11 नंबर का उत्तर दीजिए, 11 का राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए। आप सब लोग समीक्षा यादव 11 का बी आंसर कर रही है। छवि बहुत बढ़िया, सत्यपाल बहुत अच्छा, कार्तिक अफीफा बहुत बढ़िया, प्रतिभा देखो हिमांशु भी आंसर कर रहे हैं। 11 का बी क्या हो जाएगा भाई, 11 का बी बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा, घबरा जाना। अगला देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 12 है, सदैव सदैव में प्रयुक्त संधि कौन सी है। क्वेश्चन नंबर 12 का उत्तर दीजिए आप लोग। भाई सभी लोग एक बार क्लास को शेयर कर दें, एंड लाइक बहुत कम हुआ है अभी, सभी लोग लाइक नहीं किए हैं, सब लोग लाइक भी कर दो जल्दी जल्दी। सौम्या सिंह, जीनत खान, चलिए बहुत बढ़िया, कोमल मिश्रा, ज्योति बहुत बढ़िया। देखो 12 का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, वृद्धि संधि हो जाएगी। कौन सी संधि है भाई सदैव में, वृद्धि संधि है ना, बहुत अच्छा। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13, यह काम मैं आप कर लूंगा, पंक्ति में आप है। क्वेश्चन नंबर 13 का उत्तर दो, यह काम मैं अपने आप कर लूंगा। ठीक है, तो आप कर लूंगा मैं, आप क्या है, संबंध संबंधवाचक सर्वनाम है, निजवाचक सर्वनाम है, क्या है भाई बताओ। बहुत अच्छा, देखो 13 नंबर का भी उत्तर काफी लोग आंसर सही कर रहे हैं। 13 का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा भाई, निजवाचक सर्वनाम में आएगा। ठीक है, अगला देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 14, छंद के अंगों के आधार पर गढ़ किसे कहते हैं, बताओ भाई। 14 नंबर का उत्तर दीजिए सब लोग। अनिल पटेल बहुत अच्छा, सत्यम वेरी गुड, शुभांशी बहुत बढ़िया, कुलसुम बानो बहुत अच्छा, अभिषेक बिल्कुल। देखो भाई 14 नंबर का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, ए करेक्ट होता का, बी नहीं होगा। काफी लोग बी भी उत्तर कर रहे हैं जो कि गलत हो जाएगा। सही जवाब जितने लोगों ने ए दिया है भाई बिल्कुल सही है, तीन वर्णों के समूह को गढ़ कहते हैं। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 15 है, आज्ञा दीजिए वाक में कौन सा वाच्य है। क्वेश्चन नंबर 15 का जवाब दें आप सब लोग। 15 का उत्तर क्या हो जाएगा भाई, सभी लोग शेयर कर दो, सभी स्टूडेंट दो दो लोगों को शेयर करेगा भाई व्हाट्सएप पर। ठीक है, अगर आप लोग चाहते हैं, सपोर्ट करते हैं भाई, लगता है कि हाँ सर अच्छा पढ़ा रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, तो प्लीज सपोर्ट तो करिए भाई, सभी लोग शेयर करिए। देखो 15 का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट उत्तर हो जाएगा, कृतवाच में आएगा। आज्ञा दीजिए क्या हो जाएगा भाई, कृतवाच में हो जाएगा, बहुत बढ़िया। अगला देखो 16 नंबर, देखो 16 नंबर क्या कर रहा है, अध्याय वसाई का अंग्रेजी प्राय है। क्वेश्चन नंबर 16 का उत्तर दीजिए। सोलह का राइट आंसर बताइए। मेरी आवाज आ रही है सभी को, सभी को मेरी आवाज आ रही है। चलिए 17 पे आ जाते हैं, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द का प्रयोग कीजिए, हर काम को देर से करने वाला को एक शब्द में क्या कहते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 17 का उत्तर क्या हो जाएगा, 17 का राइट आंसर बताइए। 17 का उत्तर क्या हो जाएगा, 17 का राइट आंसर देखिए काफी लोग आंसर कर रहे हैं यहां पर, सी, सी गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा प्रश्न है, हर काम को देर से करने वाला को क्या कहेंगे एक शब्द में। 17 नंबर का उत्तर आपका ऑप्शन डी करेक्ट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, डी होगा, दीर्घ सूत्री कहेंगे इसको। ठीक है, विलंबी काफी लोग आंसर कर रहे हैं, विलंबी नहीं होगा। ठीक है, सही उत्तर हो जाएगा इसका, डी करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 18 है, कम बोलने वाला व्यक्ति वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द क्या होगा।
18 नंबर का उत्तर दो। 18 का राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए? ब्रजेश रावत, अभिषेक यादव, बहुत बढ़िया। चंद्रकांता, बहुत अच्छा। आजाद, वेरी गुड। देखो 18 नंबर का उत्तर क्या हो जाएगा बताइए सभी लोग। 18 का हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, मितभाषी। मितभाषी हो जाएगा, बिल्कुल सही। अगला देखिए 20 नंबर, जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि, लोकोक्ति का क्या अर्थ है? 20 नंबर का जवाब दें आप सभी लोग। 20 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? भाई सभी लोग शेयर करो, अभी तक 200 लोग भी नहीं पूरे हुए हैं क्लास में, सब लोग शेयर नहीं कर रहे हैं। अगर सभी लोग शेयर करते ना तो अब तक 250 से भी ज़्यादा बच्चे जुड़ जाते हैं क्लास में। बहुत बढ़िया गुड़िया शर्मा, वेरी गुड। संगीता राम सिंह, 20 का उत्तर सी का उत्तर हो जाएगा, कवि कल्पनाशील होता है। कवि कल्पनाशील होता है, आपका ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। अगला देखिए 21 नंबर, मेरा नया बचपन कविता किसने लिखी है? क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर दीजिए आप सब लोग। का उत्तर चलिए भाई अब लाइक कर दो भाई, बहुत देर से मैंने भी नहीं याद दिलाया आप सबको। एक लाइक की कमी बची है, 99 लाइक कंप्लीट हो गया क्लास में, जबकि 200 के करीब लोग बच्चे लाइव हैं, ठीक है? तो एक लोग तो कोई लाइक कर दो भाई, जल्दी से 100 हो जाए, फिर धीरे धीरे 200 भी हो जाएगा। कर दो भाई एक लोग, कोई जल्दी से करिए। 21 का उत्तर हो जाएगा बी, बहुत बढ़िया। सुभद्रा कुमारी चौहान, जितने लोगों ने उत्तर दिया बी बिल्कुल सही जवाब है। अगला है 22 नंबर, निम्न में से चांदनी का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? नहीं है पूछा गया भाई, ध्यान देना। 22 का उत्तर क्या हो जाएगा? छवि, बहुत बढ़िया। अभिदया, वेरी गुड। कीर्ति, रीता वर्मा, दीपा सोनी, अंजलि, कपिल कुमार, बहुत बढ़िया। देखिए 22 का उत्तर हो जाएगा सी, चंद्र। चंद्र आपका ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा भाई। अगला देखो भाई क्वेश्चन नंबर 23 है, आज पानी बहुत गिरा डैश डैश वाक्य है, 23 नंबर का उत्तर दीजिए। ट्वेंटी थ्री का राइट आंसर बताइए। अनिल पटेल, अंजलि तिवारी, बहुत बढ़िया। संगीता, वेरी गुड। कुहू ठाकुर, वेरी गुड। पूजा वर्मा, बहुत बढ़िया। 23 नंबर का उत्तर बताओ भाई, 23 का हो जाएगा आज पानी बहुत गिरा, कैसा वाक है? संयुक्त वाक है, सरल वाक है या फिर मिश्र वाक है? बिल्कुल सरल वाक है, ये ऑप्शन ए सही यहाँ पर। अगला देखिए भाई 24 नंबर है प्रश्न, अनुनासिक व्यंजन कौन से होते हैं? 24 नंबर का जवाब दें आप सब लोग। ट्वेंटी फोर का उत्तर ऑप्शन डी करेक्ट उत्तर हो जाएगा, वर्ग के पंचमाक्षर, ठीक है, डी बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 25, अजंत का संधि विच्छेद करो भाई, 25 का उत्तर दीजिए। ट्वेंटी फाइव का उत्तर आपका ऑप्शन बी करेक्ट उत्तर हो जाएगा, बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 26 है, छा ध्वनि का उच्चारण स्थान बताओ, 26 नंबर का उत्तर दें आप सभी लोग। 26 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? जितेश प्रजापति, बहुत बढ़िया। जावेद, बहुत अच्छा, वेरी गुड। आशीष चंद्रा, बहुत बढ़िया। अजीत, वेरी गुड। 26 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, तालव। तालव हो जाएगा, सी बिल्कुल करेक्ट है। अगला है 27, देवर को स्त्रीवाचक बनाने के लिए आप किस प्रत्यय का प्रयोग करेंगे बताओ भाई, 27 नंबर का उत्तर दो। 27 का राइट आंसर बता दो भाई फटाफट। बिल्कुल 27 का उत्तर आपका ऑप्शन नंबर यहां पर बी करेक्ट उत्तर हो जाएगा, आनी। आनी प्रत्यय लगा देंगे तो क्या बन जाएगा देवर का? देवरानी, बहुत बढ़िया। अगला देखिए भाई क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द प्रत्यय युक्त है बताओ, 28 नंबर का उत्तर दो। इन चारों ऑप्शन में किसमें प्रत्यय लगा है ये बताना है। 28 का उत्तर शिखा नायक, बहुत बढ़िया। अफीफा, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। प्रशांत, बहुत अच्छा। रूबी यादव, बहुत बढ़िया। राम सिंह, बहुत अच्छा। 28 नंबर का उत्तर दे, 28 का उत्तर सी का उत्तर हो जाएगा, बाजीगर। बाजीगर में गर प्रत्यय लगा हुआ है, बहुत अच्छा। अगला देखिए 29 प्रश्न है, निम्नलिखित में से शुभेच्छु शब्द के समानार्थी शब्द का चयन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 29 का उत्तर देने का प्रयास करें सभी लोग। 29 का उत्तर क्या हो जाएगा?
29 का सी करेक्ट उत्तर हो जाएगा, शुभकांक्षी, शुभकांक्षी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 30 है, भारतीय शब्द के में प्रयुक्त प्रत्यय बताओ, भारतीय में कौन सा प्रत्यय लगा है भाई। 30 नंबर का उत्तर दें आप सब लोग, बिल्कुल काजोल जी आपका सही है, 30 नंबर का उत्तर बताइए। अमजद बहुत बढ़िया, बबीता वेरी गुड, छवि, रीता वर्मा, प्रिंस त्रिपाठी, नेहा चौधरी, 30 नंबर का उत्तर क्या हो जाएगा, विष्णु, बहुत बढ़िया नेहा जी, बहुत अच्छा। देखो भाई 30 नंबर का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, इया, ये लगा है, ठीक है, भारतीय में इया प्रत्यय लगा है। अगला देखो भाई क्वेश्चन नंबर 31 है, नमक मिर्च में समास बताओ, 31 का उत्तर दो जल्दी जल्दी सब लोग। क्वेश्चन नंबर 31 का उत्तर क्या हो जाएगा, 31 का ए करेक्ट उत्तर हो जाएगा, द्वंद्व समास हो जाएगा नमक मिर्च में, ठीक है, बिल्कुल। अगला देखो भाई क्वेश्चन नंबर 32 है, तालव्य वर्णों की संख्या है, 32 का जवाब दीजिए, 32 का उत्तर क्या हो जाएगा, विनोद, सत्यपाल, कुहू, अतुल, आयशा, नेहा, बहुत बढ़िया रचना, बहुत अच्छा। 32 नंबर का उत्तर क्या हो जाएगा, 32 का डी करेक्ट उत्तर हो जाएगा, डी यहां पर होगा भाई, 32 का काफी लोग गलत उत्तर कर रहे हैं, तालव्य वर्णों की संख्या पूछी गई है, तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, 7, कितने संख्या है भाई, 7 है। अगला देखो भाई क्वेश्चन नंबर 33 है, राम लखन सीता सहित हृदय बशहु शुर भूप, उपयुक्त पंक्ति में छंद का चयन कीजिए, कौन सी छंद है इन पंक्तियों में, क्वेश्चन नंबर 33। थर्टी थ्री का राइट आंसर क्या हो जाएगा, जितेश प्रजापति, प्रशांत, माला देवी, चलिए 33 का उत्तर दीजिए, बहुत अच्छा, कांचा पांडे, बहुत बढ़िया रागनी, वेरी गुड, 33 का उत्तर काफी लोग आंसर कर रहे हैं यहां पर, क्या हो जाएगा, 33 का बताना है, काफी लोग गलत भी उत्तर किए, चौपाई भी कुछ लोगों ने बोला है जो कि गलत हो जाएगा। 35 का ए सही होगा भाई, दोहा है, दोहा, बिल्कुल दोहा छंद है इसमें। अगला देखिए 34 नंबर, मूर्धन्य व्यंजन है, मूर्धन्य व्यंजन कौन सा है भाई बताओ, 34 का उत्तर दो, ये गलत नहीं होना चाहिए भाई, ठीक है, वर्णमाला आपका बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, वर्णमाला के से कहीं से भी प्रश्न पूछ लिया जाए आपका गलत नहीं होना चाहिए, 34 नंबर का उत्तर दीजिए, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा प्रश्न तो वर्णमाला से ही बनते हैं भाई। 34 का उत्तर क्या हो जाएगा, महेंद्र मौर्य, उस्मान, वेरी गुड, सलमान, बहुत बढ़िया। देखो 34 नंबर का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, बी करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पर, बहुत अच्छा। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 35 है, निम्नलिखित में से किनके नाम प्रायः पुल्लिंग होते हैं, ये बताओ भाई, 35 नंबर का उत्तर दीजिए, सब लोग लाइक कर दो भाई जल्दी जल्दी, 150 लाइक कंप्लीट होने वाला है, मात्र एक लाइक की कमी है, कोई एक स्टूडेंट क्लास को जल्दी से लाइक कर दो, देख लो जिसने भी लाइक ना किया हो भाई, 35 का भी उत्तर करें जल्दी जल्दी आप लोग। मोनिका बहुत अच्छा, सुधा वेरी गुड, 35 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, दिनों के नाम, दिनों के नाम हमेशा पुल्लिंग होते हैं, ये याद रखना आप लोग हमेशा। अगला देखिए भाई क्वेश्चन नंबर 36 है, निम्न में कौन सा कथन असत्य है, 36 नंबर का उत्तर दो, 36 का राइट आंसर फटाफट करेंगे भाई बिना किसी देरी के, बिल्कुल 36 नंबर का उत्तर, जितने लोग सी उत्तर कर रहे हैं भाई बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा, अलंकारों के योग से काव्य मनोहरी बन जाता है, क्वेश्चन नंबर 36 जो यहां पर दिया गया है ये असत्य है, बाकी सारे सही हो जाएंगे। अगला देखिए भाई क्वेश्चन नंबर 37 है, वाक्य के अशुद्ध भाग का चयन कीजिए, देखिए वाक्य क्या है, जिस प्रकार चीन, जापान, रूस तथा तुर्की में अपनी भाषा में सरकारी कार्य होता है, उसी प्रकार भारत में हिंदी की अनिवार्यता और आवश्यकता को स्वीकार किया जाना चाहिए, कोई त्रुटि डी सिलेक्ट करिए, अगर किसी भाग में त्रुटि है तो बताइए, चलो भाई जल्दी जल्दी उत्तर करो, 37 का राइट आंसर क्या हो जाएगा,
बिल्कुल 37 नंबर का उत्तर देखिए, काफी लोग डिफरेंट डिफरेंट आंसर कर रहे हैं। कुछ लोग आंसर कर रहे हैं डी की कोई गलती नहीं है, ठीक है, कुछ लोग आंसर कर रहे हैं सी में गलती बता रहे हैं, लेकिन किसी का उत्तर सही नहीं आ रहा है। देखिए एक स्टूडेंट का आंसर आया है, नाम है राजनंदनी अग्रवाल, और लोग बताओ भाई, सी काफी लोग आंसर कर रहे हैं। चलिए एक बार और देख लीजिए कहाँ पर गलती हो रही है। सब लोग लाइक भी करना भाई क्लास को एंड शेयर भी करिए। बिल्कुल चलिए अब मैं बताता हूँ आपको गलती कहाँ, इसमें गलती ए वाले भाग में है। बिल्कुल इल्मा खान ने भी सही उत्तर दिया, गलती ए वाले भाग में है। अब बताओ कहाँ समझ में आ रहा है कि ए में गलती है तो कहाँ पर है। बहुत देखिए आपको वाक्य शुद्धि में ना सिर्फ एक चीज का ध्यान नहीं देना होता है, कभी कभी वर्तनी त्रुटि होती है, कभी कभी व्याकरण त्रुटियाँ होती हैं, कभी कभी क्या होता है विराम चिन्ह त्रुटियां होती हैं, तो हर एंगल से आपको देखना होता है कि कहां पर गलती है। तो इसी तरीके से इसमें जो है ये विराम चिन्ह त्रुटि है यहां पर, ठीक है, चीन जापान के बीच में आपका विराम चिन्ह आना चाहिए, ठीक है, बिल्कुल इसीलिए ये गलत है, ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा, ए में गलती है। अगला देखिए भाई क्वेश्चन नंबर 38 है, निम्न पंक्ति में कौन सा अलंकार है, जलता है यह जीवन पतंगा। क्वेश्चन नंबर 38 में बताओ कौन सा अलंकार है भाई, सभी लोग क्लास को शेयर करें, सभी लोग क्लास को शेयर करें, 38 का उत्तर क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 का उत्तर आपका ऑप्शन नंबर यहां पर ए करेक्ट उत्तर हो जाएगा, उपमा अलंकार। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 39 है, देखिए 39 कह रहा है निम्न में रस के अंग हैं, बताओ भाई क्वेश्चन नंबर 39 का उत्तर दो। सभी लोग अगर क्लास अच्छी लगे भाई तो सब लोग शेयर एंड लाइक जरूर किया करो क्लास को, लाइक ही बहुत सारे लोगों ने नहीं किया और क्लास भी देख रहे हैं वो लोग, तो भाई उनसे रिक्वेस्ट है कि थोड़ा सा भाई कष्ट करें और क्लास को लाइक कर दें अगर कुछ सीखने को मिल रहा है कुछ आप यहां से पढ़ रहे हैं तो। 39 का उत्तर दीजिए भाई, सब लोग लाइक करिए, बिल्कुल सी उत्तर, बहुत सारे स्टूडेंट्स आंसर कर रहे हैं सी करेक्ट उत्तर हो जाएगा, ए भी कुछ लोग उत्तर कर रहे हैं जो कि गलत उत्तर हो जाएगा। रस के अंग कौन सा हो जाएगा भाई, 39 का सी करेक्ट उत्तर हो जाएगा, ठीक है बहुत बढ़िया। अगला देखो भाई क्वेश्चन नंबर 40, निम्न में सही वर्तनी का चयन कीजिए, मिठाई की वर्तनी कौन सी सही है भाई, 40 नंबर का उत्तर दो आप लोग। फोर्टी का राइट आंसर आपका ऑप्शन सी करेक्ट उत्तर हो जाएगा, सी करेक्ट उत्तर हो जाएगा, सी नहीं होगा, 40 का होगा मिठाई बी, बिल्कुल, जबकि सी भी कुछ लोग उत्तर कर रहे हैं, भाई इतनी जल्दबाजी किस बात की है, ठीक है, काफी लोग उत्तर बोले सी, तो भाई इसमें मात्रा कहाँ लगा है, ठीक है, तो बी करेक्ट उत्तर हो जाएगा, मिठाई आपका ऑप्शन बी सही होगा। अगला देखो भाई क्वेश्चन नंबर 41 है, राजस्थान में कौन सी बोली भाषा बोली जाती है, ये बताओ भाई, 41 का उत्तर दो, राजस्थान में कौन सी भाषा बोली जाती है बताइए जल्दी से, 41 का ऑप्शन देखें और आंसर करें आप लोग। देखिए 41 का उत्तर यहाँ पर काफी लोगों ने बोला है मेवाती, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, बहुत बढ़िया, सी करेक्ट आंसर है, वेरी गुड। अगला देखिए 42 है, अधिकरण कारक का विभक्ति चिन्ह कौन सा होता है, ये बहुत अच्छा प्रश्न आया भाई, 42 का उत्तर दे भाई। फोर्टी टू का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट उत्तर हो जाएगा, में जो होता है ये अधिकरण कारक का व्यक्ति चिन्ह होता है। अगला देखो भाई क्वेश्चन नंबर 43 है, निम्न प्रश्न के शब्द युग्म के अर्थ भेद में से कौन सा गलत है, क्वेश्चन नंबर 43 का उत्तर दीजिए, 43 का उत्तर भाई, 42 में भी काफी लोग गलत उत्तर कर रहे थे, वाह भाई 43 का उत्तर क्या हो जाएगा, 43 का डी का उत्तर हो जाएगा, पूछा गया है अर्थ भेद में से कौन सा गलत है, आयात और आयात, आयात का यहाँ पर मतलब दिया गया देश में माल लाना और विदेश में माल भेजना, तो विदेश में माल भेजना का आयात के बाद में निर्यात होगा, ठीक है, तो इसलिए ये गलत है। अगला देखो भाई क्वेश्चन नंबर 44 है, वहां भयंकर दुर्घटना हुई, रेखांकित पद कैसा पद है भाई, विशेषण है, यानी भयंकर क्या है, विशेषण है, क्रिया विशेषण है, प्राविशेषण है या सर्वनामिक विशेषण है, 44 का उत्तर दें सभी लोग। बिल्कुल रीता जी 44 नंबर का उत्तर दें, कपिल कुमार बहुत बढ़िया, नेहा, रागनी, अभिषेक, माया वर्मा, कमलेश, अंजलि, अंकुल बहुत बढ़िया,
दीपक, वेरी गुड। देखिए 44 का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, विशेषण है भाई। क्या है? विशेषण है। अगला देखिए भाई क्वेश्चन नंबर 45 देखिए। चलिए मैं पानी पी लेता हूँ, आप लोग एक सेकंड रुक जाइए। बिल्कुल, चलो 45 आप लोगों ने पढ़ ही लिया होगा। प्रश्न है, निम्न में से कोई एक युग्म समुच्चारित नहीं है, चयन कीजिए कौन सा नहीं है भाई। 45 का उत्तर दें आप सब लोग। 45 का आंसर क्या हो जाएगा? चलिए, पूजा शहानी बहुत बढ़िया, राम लखन वेरी गुड, आकांक्षा इलमा खान, 45 का उत्तर आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी करेक्ट उत्तर हो जाएगा। सी आंसर करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पर, बहुत बढ़िया। अगला देखो भाई क्वेश्चन नंबर 46 है, उसने अपने सभी साथियों को अपनी योजना में डैश डैश किया, क्या आ जाएगा रिक्त स्थान पे बताओ भाई। 46 नंबर का उत्तर दीजिए आप लोग। 46 का उत्तर क्या हो जाएगा? सौम्य यादव करिए, सर आपकी बुक चाहिए, अपना व्हाट्सएप नंबर बताओ। हाँ भाई, जिसको हमारी बुक चाहिए, व्हाट्सएप का नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, ठीक है, आप उस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। आपकी पूरी आपको पूरी डिटेल दे दी जाएगी वहाँ पर, कैसे आपको बुक परचेज करना है, कैसे पेमेंट करना है, सारी डिटेल नंबर आपको व्हाट्सएप का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। 700 आप चाहें तो नोट कर लें, 700-7647-151 ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। अगर आपको हमारा क्रैश कोर्स परचेज करना है 149 रुपीज़ वाला, तो आप इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं, ठीक है। बिल्कुल 46 का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर 46 का डी का उत्तर हो जाएगा, सम्मिलित किया। बिल्कुल डी बिल्कुल सही था। अगला देखो भाई 47 नंबर है, निम्न वाक्य के अंत में कौन सा विराम चिन्ह आएगा, क्या तुम जानते हो कि प्रधानमंत्री आज विदेश जा रहे हैं, बताओ भाई। 47 का उत्तर दो, इस वाक्य के अंत में कौन सा विराम चिन्ह आएगा भाई बताओ। 48 नंबर का उत्तर दो। 48 का आंसर 47 का उत्तर क्या हो जाएगा? सत्यपाल कुमार बहुत बढ़िया, प्रिया राजपूत वेरी गुड, सौम्य यादव जी आपको व्हाट्सएप पर ही बता दिया जाएगा कैसे पेमेंट करना है। 47 नंबर का उत्तर दें, QR कोड वगैरह या लिंक वगैरह आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा वहाँ पर। सर फिर से बता दो सर नंबर, सुनीता देवी जी करें, 700-7647-151 ये व्हाट्सएप नंबर है, इस पर कॉल मत करना, ठीक है, क्योंकि कॉल ना ही उठेगी और ना ही साइल भी, व्हाट्सएप पर ही मैसेज आएगा, सिर्फ आप व्हाट्सएप पर मैसेज करिएगा, ठीक है। 47 नंबर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट उत्तर हो जाएगा, प्रश्नवाचक, क्योंकि प्रश्न किया जा रहा है तो प्रश्नवाचक चिन्ह आएगा यहाँ पर। 48 नंबर, माटी की मूर्तें नामक रेखा चित्र किसने लिखा, क्वेश्चन नंबर 48 का उत्तर दे। 48 का उत्तर क्या हो जाएगा? सुधा पाठक, निधि चौधरी बहुत अच्छा, रीता वर्मा, पंकज अमजद, अभिदया, ममता कुशवाहा बहुत बढ़िया, शीलू प्रशांत जी कह रहे हैं, मैंने 1800 रुपये पे खरीदा था, आज तक कोई वीडियो नहीं देखी भैया, तो काहे खरीद लिया आपने। 48 का उत्तर दो, किसका खरीद लिया भाई 1800 का, इतना महंगा और पढ़ा भी नहीं आपने। 48 का राइट आंसर आपका ऑप्शन डी का उत्तर हो जाएगा, राम वृक्ष बेनीपुरी यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला देखो भाई क्वेश्चन नंबर 49 है, आवारा मसीहा जीवनी में किसका जीवन चरित्र है, क्वेश्चन नंबर 49 का उत्तर क्या हो जाएगा? 49 का आंसर क्या हो जाएगा भाई? 49 का उत्तर दें भाई आप लोग। का राइट आंसर आपका ऑप्शन बी का उत्तर हो जाएगा, शरद चंद्र चट्टोपाध्याय का। 49 का बी का उत्तर हो जाएगा, और ये रहा आज का अंतिम प्रश्न दोस्तों, इसमें आपको त्रुटि पहचानना है किस भाग में गलती है। तो चलिए देख लेते हैं भाई, पहला जो है ऑप्शन ए में है, सच्चा वीर वह है जो कभी युद्ध से पीठ दिखाकर दौड़ नहीं जाता, बल्कि शत्रु का डटकर सामना करता है। गलती तो तुरंत आपको पता चल गई होगी, तो बता दो भाई 50 का उत्तर क्या हो जाएगा। और जिसने भी क्लास को लाइक नहीं किया भाई, 198 लाइक हो गया भाई, 2 लाइक की कमी है, जबकि 235 लोग देख रहे हैं क्लास को, तो भाई सब लोग लाइक कर दो, 2 लोग एटलीस्ट लाइक करके 200 कंप्लीट करवा दो। रिचा नायक बहुत बढ़िया, इलमा बहुत अच्छा, नंबर बताओ कितनी बार बताएं भाई नंबर, ठीक है, नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स जानते होंगे आप सब लोग, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखा हुआ है, आप वहां से मैसेज कर दीजिएगा व्हाट्सएप पर, ठीक है।
बिल्कुल 50 नंबर का उत्तर दो। चलिए बहुत बढ़िया भाई, 149 रुपये में आपको सिर्फ लागत ऐड कर रहा हूँ, कुछ भी बहुत ज़्यादा ना पैसा नहीं ले रहा हूँ आपसे। आप एक बार लेंगे तो उसके बाद आप खुद खुद भी कहेंगे कि सर इतने कम पैसे पे इतना सब कुछ आपने दिया। ठीक है, फुल पैसा वसूल है भाई। ठीक है, बिल्कुल 50 का उत्तर क्या हो जाएगा बताइए। तो जितने भी लोग इच्छुक हैं भाई, बीएड प्रवेश परीक्षा में बहुत हेल्प करेगा, उसमें 10 साल का प्रीवियस क्वेश्चन पेपर मिल जाएगा। और इस तरीके से प्रीवियस पेपर नहीं मिलेगा कि आपको सिर्फ क्वेश्चन का आंसर दिया हो ABCD, इस तरीके से पूरा फुल डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ में एक एक क्वेश्चन। अगर आपने 10 साल का पेपर एक्सप्लेनेशन के साथ में सॉल्व कर लिया, 50% तैयारी आपकी वैसे ही हो जाएगी भाई प्रीवियस पेपर से ही। बाकी आपके बाकी सारे सब्जेक्ट के आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के माध्यम से नोट्स वगैरह प्रोवाइड किए गए हैं, वो भी बहुत मदद करेंगे। ठीक है, मात्र 149 रुपये में, नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। 50 का आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी जितने लोगों ने बोला है, बल्कि शत्रु डटकर सॉरी बी वाला ये है, युद्ध से पीठ दिखाकर दौड़ नहीं जाता। क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। युद्ध से पीठ दिखाकर भाग नहीं जाता होगा, दौड़ नहीं जाता नहीं होगा। ठीक है, भाग नहीं जाता, तो आपका ऑप्शन बी में गलती है। बहुत बहुत शुक्रिया क्लास को एंड तक देखने के लिए। उम्मीद करते हैं कि आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी। दोस्तों सभी लोगों ने लाइक नहीं किया भाई, लाइक कर दो अगर अच्छा लगा हो भाई सब लोग। ठीक है, बहुत बढ़िया। पंकज सोनकर जी कह रहे हैं सर जी बहुत सही बुक है। बिल्कुल भाई, बुक अच्छी है, काफ़ी मेहनत किया उसके बाद में उस कोर्स को तैयार करवाया भाई। बहुत बहुत शुक्रिया भाई, जिसको भी लेना है नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया। एक लास्ट टाइम और बता दे रहा हूँ, ठीक है, लास्ट टाइम नंबर बता रहा हूँ, लिख लो भाई। ठीक है, 7007647151, इस पर आप व्हाट्सअप नंबर, ये व्हाट्सअप नंबर है, व्हाट्सअप कर सकते हो कोर्स के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया क्लास को देखने के लिए, मिलते हैं नेक्स्ट डे नेक्स्ट क्लास में।